हिलना मत अपनी जगह से। रोशनी, मेरी बात सुनो। रोशनी, इस लड़के को छोड़ दो। इसे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सिर्फ एक ही तो दोस्त है मेरा, मैं इसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। रोशनी, तुम्हारी मौत हाल ही में हुई है। आत्माओं के इस अद्भुत संसार के कानून को तुम नहीं समझ सकती। एक बार जिसकी मौत हो जाती है, वो फिर किसी मोहमाया के बंधन में नहीं पड़ सकता। रोशनी, तुम्हारा इस दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। छोड़ दो समीर को। नहीं, अगर किसी ने मुझे और समीर को अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं और समीर एक साथ रहेंगे, भले मैं उसके साथ इस दुनिया में रहूं या फिर वो मेरे साथ मेरी दुनिया में रहेगा। I command you in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost to depart. समीर, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये मुझे मार देगी, रुको इसे, मेरे साथ चलो समीर। अभी इसका जाने का समय नहीं आया। Depart then transgressor, full of lies and cunning, for virtue, persecutor of the innocent. Give place, an abominable creator. Give way, you monster. Give way to Christ, in whom you found none of your work. समीर, प्रेरणा और रोशनी की कहानी आज क्या नया मोड़ लेगी, आइए देखते हैं। समीर की एक तरफ प्रेरणा का प्यार था तो दूसरी तरफ रोशनी की दोस्ती। ये वो दोस्ती का वादा था जो उसने अनजाने में किया था, जिसे अब वो तोड़ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ प्रेरणा पर हो रहे हमले से जाहिर हो चुका था कि उसके पीछे रोशनी का ही हाथ है। दरअसल समीर का पास्ट प्रेरणा की प्रेजेंट लाइफ पर असर डाल रहा था। इस कहानी में अब भी बहुत कुछ होना बाकी था। समीर, यार तुझे उस औरत का पता जिसने एक बार तेरी जान बचाई थी? पता तो नहीं एक बार, लेकिन पता लगाया जा सकता है। क्या यही घर है? हाँ, लगता तो यही है। चल देखते हैं। चल चल चल। नैना जी, नैना जी, देखा देखा करना कोशिश करो। नैना जी, अरे खुला है? खुला है यार। नैना जी, नैना जी, नैना जी, thank you.
नैना जी। नैना जी नैना जी ये सब कुछ वॉइस कह रही है, ये सब रोशनी इनके है। आर यू श्योर समी? 100% एक बात, 100%। प्रेरणा प्रेरणा, अब तुम्हारे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा है। अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, ओके? यूएस चले जाते हैं। नहीं 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 समीर, जल्दबाजी में फैसला मत कर। मैं किसी को जानता हूँ दिल्ली में, हम वहाँ चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, वो हमारी मदद जरूर करेगा। चल फिर ठीक है, चलते हैं। चल तुम रोशनी को पहली बार कितने साल पहले मिले थे? यही कोई 8 साल पहले। लगता है ये आत्मा काफी शक्तिशाली है। वैसे ही किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई आता है तो उसे छोड़ती भी नहीं। अगर नैना उसका कुछ नहीं कर पाई तो फिर भला मैं क्या कर पाऊँ? सर लेकिन कुछ तो हेल्प कीजिए हमारी सर, प्लीज सर। मैं उसे कैद करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा के लिए नहीं पर कुछ समय के लिए तो उसे रोक ही पाऊंगा। अगले पूर्णमासी को मैं पूजा करूंगा, बस 2 दिन बाद ही। तब तक के लिए आप सबको, खास करके प्रेरणा को सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी जी सर। मैं कुछ करता हूँ जिससे आप तब तक सुरक्षित रहें, बस मेरी बात पूरी तरह से माननी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने घर को बाहर से और अंदर से सुरक्षित कर दिया है जी। अब आप लोग इत्मीनान से और आराम से घर पर रह सकते हैं। एक बात और, आप सब लोग प्रेरणा के साथ में रहेंगे, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, खास करके आज रात के लिए। जय माता दी। अरे तरुण, इकबाल, अब तुम लोग भी घर जाओ यार। नहीं यार, हम लोगों को भी रुकना चाहिए। हाँ यार, कमलेश जी ने घर को सुरक्षित कर ही दिया है ना, और फिर मैं तो हूँ यहीं। अरे शो यहाँ यार। चल ठीक है, चल अपना ध्यान रखना और प्रेरणा का भी। चलो बाय। ठीक है, चल ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
कौन है वहां? कौन है वहां? सामने आओ। कोई मुझे नहीं रोक सकता, तमीर को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं रोशनी हूँ, रोशनी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या रोशनी की कहर की आंधी से कमलेश जी के मंत्रों का घेरा टूट पाएगा? क्या प्रेरणा को रोशनी से बचा पाएंगे वो? रोशनी समीर को पाने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देना चाहती थी। उसने एक ऐसी खतरनाक चाल चली जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। हेलो समीर। हाँ जी बोलिए। मैंने रोशनी को कैद कर लिया है, अब तुम लोग सुरक्षित हो। थैंक गॉड। कमलेश जी ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने, लेकिन आप तो ये काम आज रात को करने वाले थे ना? मैंने अभी कर दिया। सुनो, मुझे प्रेरणा से मिलना है अकेले में, उसे कुछ मंत्र देने हैं ताकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। तुम उसे मेरे घर पर भेज देना। हाँ जी जी जरूर, मैं भेज देता हूँ उसे। और हाँ कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक प्रेरणा, प्रेरणा कमलेश जी का फोन था, वो कह रहे थे कि उन्होंने रोशनी की आत्मा को कैद कर लिया है। ओह माय गॉड, फाइनली वी आर फ्री। आई एम सो हैप्पी। थैंक गॉड। प्रेरणा अब हम फ्री हैं यार। अच्छा सुनो, उनसे एक बार जाकर मिल लेना, वो तुम्हें कुछ मंत्र वगैरह देना चाहते हैं। ओके okay? तब तक मैं फ्लाइट के टिकट्स ले लेता हूं। ओके चल सी यू बाय। कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी आप घर पर हैं? कमलेश जी, कमलेश जी कोई है? कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी,
मुझे समीर चाहिए, उसे मारना चाहती हूँ और तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। मैं समीर को नहीं मारने दूंगी। मैं समीर को पाकर हूँ, कैसे रोकोगी तुम मुझे? मैं अपने आप को उसके पास जाने से रोकूं तो तुम उसे छोड़ दोगे ना? मैं उसे दूर चली जाऊंगी, प्लीज उसे छोड़ दो। बेटा कहाँ गई है? समीर एकता प्रेरणा का समीर वो प्रेरणा का फोन आया था और उसने मुझे बोला कि वो तुम्हारे साथ यूएस नहीं जाना चाहती। इस टाइम पे मजाक कर रही है, बुलाओ ना प्रेरणा। समीर आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये क्या बोल रही हो? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उससे बात हुई थी। समीर उसके बाद उसका फोन मेरे पास आया था, वो कमलेश जी से मिली थी और उन्होंने उसको बताया कि उस आत्मा को रोकना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तुम दोनों की जिंदगी में वो हमेशा साया बन के साथ रहेगी। और जब प्रेरणा को इस बात का पता चला तो उसने फैसला कर लिया कि वो इस तरह नहीं जीना चाहती समीर, इसलिए वो तुम्हारे साथ यूएस नहीं जा सकती। समीर क्योंकि वो चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो और वो बुरा साया हमेशा तुम्हारी जिंदगी से दूर रहे। ये बात वो खुद भी कह सकती थी। समीर वो अब जा चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है अब तुम्हें भी जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है एकता, मैं चला जाता हूँ। टेक केयर। इकबाल से मैं एयरपोर्ट पर मिल लूंगा। चला है? हाँ चल। समीर यूएस चला गया, लेकिन ना तो वो प्रेरणा को बुला पाया और ना ही ये बुला पाया कि कैसे उसको प्रेरणा छोड़ के चली गई। फाइनली धीरे धीरे करके समीर ने प्रेरणा की यादों को अपने दिल के किसी छोटे से टुकड़े में दफन कर दिया। अब 18 साल के बाद समीर वापस मुंबई आया, लेकिन अपनी मॉम ने मेजर वाला प्रेशर डाल के उसकी एंगेजमेंट करा दी सपना नाम की एक लड़की के साथ। वेरी स्वीट गर्ल, वेरी वेरी स्वीट, लेकिन किस्मत का प्लान था कुछ और। अंगूठी कैसी पहनी है समीर? तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगे समीर? एक दूसरे के सिवाय हमारा यहाँ पर कोई नहीं है।
कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। मेरे पास आओ समीर, आओ। नहीं, मेरे पास मत आना, तुम दूर रहो मुझसे। खोलो तू यार, खोलो खोलो, अरे कोई तो खोलो खोलो। देखो मेरे पास मत आओ तुम, अरे मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, मुझसे दूर रहो। नहीं नहीं छोड़, समीर ने समझा ये कुछ सपना टाइप है, इसको भूल जाना चाहिए, लेट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, और वो उस पर उसने तवज्जो नहीं दिया बेसिकली, और शादी की तैयारियों में जुड़ गया। शादी को सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती जाती थी, वैसे ही अजीब और गरीब चीजें होना शुरू हो गई। मुझे याद है पहला जो अटैक हुआ था वो शादी मेहंदी की सेरेमनी में, मेहंदी फिर उसके रिलीज के। सपना क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो दरअसल थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, लगता है थोड़ा सा फीवर है मुझे। अरे डॉक्टर को दिखाया तुमने? नहीं नहीं इतना भी नहीं है, मुझे लगता है मैं पिकनिक पे गई थी ना उस दिन, तो शायद थोड़ा सा कोल्ड हो गया। ध्यान रखो अपना। देखो ना अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सपना, वो लड़की जो तुम्हें मेहंदी लगा रही थी वो थोड़ी अजीब सी नहीं है? सपना दीदी आप यहाँ, आपको बाहर बुला रही हूँ। आप आई, आप बैठो, मैं दो मिनट में आती हूँ। समीर, हेलो समीर, पहचाना? रोशनी, कहा था ना मैंने तुम्हें, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं आ गई। अरे क्या चाहती हो तुम, अकेला क्यों नहीं छोड़ देती मुझे? आप चलिए माँ, मैं सामान लेकर आता हूँ। तुम
क्या कर रही हो यहाँ? हाँ सपना से शादी मत करो, भूल जाओ उसे। क्यों क्यों ना करूं शादी? और तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? मत करो ये शादी। अरे तुम क्यों पड़ी हो हमारे पीछे? मैं समझाना भी चाहूं तो तुम नहीं समझ पाओगे। बस तोड़ दो ये शादी। अब शादी को सिर्फ 24 घंटे बाकी थे। मुझे याद है तब ऐसी चीजें शुरू हुई होना जो मतलब वो सोच के आई गेट गूज बम्स। मुझे याद है समीर ने मुझे फोन किया था, इकबाल सपना का एक्सीडेंट हो गया, हम दोनों वहां पहुंचे। सपना सपना क्या हुआ? सपना क्या हुआ? तुम ठीक हो? लड़की मुझे मारना चाहती है। जब तक अरेस्ट नहीं होगी ना मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मार देगी। अरे कौन मारना चाहता तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? वो मैं थी वाली लड़की। कौन? रचना? वो मैं थी वाली लड़की। बहुत हो गया इसका, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके तुम इकबाल के साथ घर जाओ, मैं उसे देखता हूँ। ठीक है इकबाल। रचना कहाँ है? तुम क्या आप मुझे जानती हैं? हाँ मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। पर कैसे? आइए मेरे साथ। ये देखो क्या है ये सब? हाँ क्या मतलब है सबका? ये सब रचना ने किया है। बचपन से रचना पे आपके नाम का एक जुनून सा है। समीर तुम अब तक नहीं समझ पाए? तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना समीर। मेरी तरफ गौर से देखो, मैं तुम्हारी प्रेरणा। क्या भत्ता मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ समीर, मेरी आंखों में देखो। समीर ये सच कह रही है, जब ये बहुत छोटी थी तभी से तुम्हारे बारे में बातें करती थी। मैं तो तुम्हें कभी मिली भी नहीं हूँ पर फिर भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ मैं। ऐसा कैसे हो सकता है तुम ही बताओ। मैं तो तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाई समीर, वो तो रोशनी हमारे बीच आ गई थी। पिछले जन्म में तो उसने हमें जुदा कर लिया पर हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहा समीर, जन्म जन्म तक। ये सब बकवास है, झूठ है सब, सब झूठ है। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना समीर, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। प्लीज अभी चलो मेरे साथ। ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने के लिए। चलो मैंने रचना के केस को बहुत करीब से स्टडी किया है। मैंने ही इसे इसके पिछले जन्म को याद दिलाने में मदद की, रिग्रेशन थेरेपी की मदद से। बचपन से ही इसे तुम्हारी यादें बहुत सताती थी। ये सब कैसे हो सकता है? मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं?